एन यू न्यूज, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी न्यूज। इस वक्त मैं मुंबई के एनी न्यूज के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक पीड़ित महिला आई हुई है जो कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और ये इंदापुर सराफवाड़ी पुणे के तरफ से चल के आई है, जो कि थाना जो है इनका वालचंद नगर जंक्शन में आता है, वहां की रहने वाली महिला है। इनका आरोप है कि इनको 27/3/2021 यानी 27 मार्च को इनके साथ मारपीट हुआ, इनको मारा गया है। आइए हम महिला से ही जानते हैं कि इनके साथ क्या घटना घटा है। जी, आपका नाम बताइए। ललिता शीतल बोलते हैं। क्या हुआ था आपके साथ में? इमली बेचने गया था तब वो लोग वड़ा पाव खा रहे थे, चार लोग थे, वो खा रहे थे, तो मैं इतना ही बोला कि बच्चे का वो आधार कार्ड का जारक से दे दो, उसका नाम चाल में पढ़ने लिखने को ले डालने का है, पढ़ने को मैडम बुला रही है, उसको कुछ मिलता है ऊपर से, इसलिए वो मांगा था। मैं एक बार ही मांगा था, देना है तो दे, तो रहने दो, क्या भूखा नहीं हम रहने वाले, मांग के तो खाएंगे किधर भी, ऐसा बोला। तो उसने हमको आगे जाने दिया। शाम हुए, वो गए थे, 5-6 बज गए थे, जाने दिया सर हमको आगे, पीछे से गाड़ी लाया, हमको नीचे गिरा के, गाड़ी के नीचे गिरा के रोंद रोंद के मारा मेरे को। कितने लोग थे वो मारने वाले आपको? 3 लेडीज थे, एक जमाई है, वो लड़के का बाप था। क्या क्या नाम है उनका बताइए? शुभल संजय पवार। और कौन था? और उसकी माँ अरुण्या। अच्छा, अरुण्या भाई थी। हाँ, माहेरी शुभल से मंदिर। क्यों मारा आपको उन्होंने? क्यों, क्या आपका क्या मतलब, क्या किया था आपने, कि आपके से क्या गलती हुआ था कि उन्होंने आपको मारा? एक बच्चे को पेट से थी लड़की, भगा के लेके गया था उसका लड़का। कौन भगा के ले गया था? वो शुभल पवार। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये बेटी है। वो इनको वो शुभल पवार करके जो है वो उनको भगा के लेके गया था। वो ये लड़की को भगा के लेके, कितने साल की थी जब ये उनको भगा के लेके गया था? 17 साल की थी। लड़की को छोड़ दिया उधर ही, वो औरत के पास भाग गया। और उसके माँ ने क्या किया? वो शादीशुदा आदमी था। हाँ, शादीशुदा आदमी था। वो उसके माँ ने क्या किया, जबरदस्ती से 1000 रुपया निकाला। क्या बोली, ये लड़की का फ्रैक्चर है तो गिरा दे और तेरे बच्चे को मर्द दूसरा करा दे, शादी करा दे, ऐसा बोल के उसने 1000 रुपया दिया। तो मैं बोला बच्चे को तेरी जिंदगी खराब मत कर, बच्चे के लिए चलते है क्या खाली करने के लिए। तो बच्चे मेरी बहुत रोने लगी सब, ये बच्चे को ऐसा लगता है, ये बच्चा इसका ही है। तो अभी आपने पुलिस केस किया था क्या वहाँ पे? उसने बोला था बच्चा गिराने के लिए इनका, तो आपने कुछ पुलिस केस किया था? लोगों ने आपको मारा, उसमें इनका जो आदमी था वो लेके गया था भगा के, उसने भी मारा क्या? उसने भी मारा ना सर, उसने तो पहला मारा गाड़ी के नीचे मेरे बेटे को, ऐसा बाल पकड़ के गिराया, बाजू गाड़ी है बाजू हम पड़ा, तो ऊपर से लाता से मारा, बुक्की से मारा, ये बाल लोच लोच के इतना निकाला, वो बाल भी। ये क्या जाना तुमसे, तुम्हें हिंदी बोलते है? पुलिस हिंदी नहीं है। क्या जाना तुमसे, क्या जाना था? माझ्या सासूने पैसे दिले होते आईकडे आणि म्हटले खाली कर कसाला ठेवायला लागली, नवरा नाही काय नाही, मी म्हणलं राहू दे माझं मी समळ आणि परत शेतात खायलाही मिळत होत, ते शाळेत गेले, मॅडम काय म्हणले पापाचा दाखला आहे आणि मग देते तुम्हाला समज, तर आयला म्हणलं तेवढा आनंद तेल चटणी गावती शाळेत जाऊन एवढं सांगितलं आईला पाठवलं तर आईला आनंदच लागलं, एवढं शब्द सांगितलं की दाखल्याचं। तुम्हाला पण मारलं ते नव्हते, पीडित महिला इनका सीधा सीधा आरोप है की इनको जो इनकी बेटी को वो आदमी लेकर के गया था बहला फुसला करके। हाँ। और इनको अपने साथ रखा, उसके बाद इनके पेट में एक बच्चा रुक गया,
इसको उन्होंने क्या बोला उस आदमी ने कि बच्चे को गिरा दो और 1,000 रुपया दिया था। हाँ। आप सीधा हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक झगड़े जी के पास आए थे आपका मैटर लेकर के, सही है? हाँ। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक झगड़े जी हैं। सर आप बताइए, ये महिला आपके पास आई, आप बहुत से लोगों का निवारण भी करके देते हैं, इसके लिए आपको एनएन न्यूज धन्यवाद देता है। सर ये मैटर क्या, वो जो लड़की है उसको 17 साल में जब नाबालिग थी तब भगा के ले गया और जब पेट से रही थी तब वो जो सिबल जो पवार तो उसने पेट से रहने के बाद इसको 1,000 रुपया दिया कि ये गिरा, तो उसने नहीं गिरा इसलिए वो तो नहीं हुई। तो पैदा किया बच्चा अभी दस महीने का बच्चा है, तो अभी उसको मार डाल इसको बोला उसको मार डाल, बच्चा गिराने के लिए। हाँ, बच्चा गिराने के लिए क्या करने लगी तू, मेरे ऊपर क्या करने लगी तू, ये सबूत रख के मैं तो तेरे लड़के को रखने रहेगा बोल के। अच्छा, इसको क्यों पैदा किया, खाए के लिए पैदा किया, मेरा नहीं ये बेटा, मार डाल, ये यही लड़का है वो। अच्छा, तो इसको मार डाल, तो ये इसने मना किया कि मैं संभालूंगी, मैं मार नहीं डालूंगी, मैं संभालूंगी, तो उसको बहुत मारा पीटा, वो हम तो देख नहीं पाते तो लेकिन कुछ वो औरत भी दिखा सकते। कुछ करने वाले ऐसा बोल के मेरे को बहुत मार, और पुलिस इनका कोई कंप्लेंट नहीं लिया, कंप्लेंट नहीं उनको, तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि एक बच्चा गिराने के लिए 1,000 रुपया देना, नहीं गिराए तो उसको मारना और बच्चे को खत्म कर दे, अभी 10 महीने का बच्चा है, इतना सुंदर बच्चा है वो, उसको खत्म करने की बात होती है, तो ये अपने महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए भी कलंक है, बहुत बड़ा। हमारे साथ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ के मुंबई मीडिया प्रभारी आनंद राव मोहा जी, और ये आदिवासी संगठना के नेता भी माने जाते हैं। आनंद राव मोगा जी, ये बताइए कि हमारे ऑफिस में ये महिला आई हुई है, पीड़ित महिला, और इनका आपने आरोप भी देखा है, आप तो यहाँ पे थे, तो आपके हिसाब से प्रशासन का कहाँ चूक हुआ है? प्रशासन का तो बहुत बड़ी गलती हुई है। पहली बात तो ये ललिता शीतल भोसले जो लड़की की माँ है, इतनी दूर से आए इंदापुर से, न्याय की अगर वहां पर इंदापुर में अगर न्याय के साथ उनके साथ सही तरीके से पेश आते, कानून का साथ लेते हुए आरोपी को अगर सही तरीके से अरेस्ट करते, 17 साल की उम्र में बच्ची को भगा कर ले जाना कानूनन जुर्म है। दूसरी बात, कानून के जरिए इस बच्ची के ऊपर जो अन्याय हुआ है, वहां के पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और तमाम जनता और लोगों का जो समाज सेवक है, उन्होंने उन लोग इन पर भरपूर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उनकी नजरअंदाज और गैर मौजूदगी भी इस बच्चे के ऊपर अन्याय हुआ है। और इंदापुर पुलिस स्टेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ की ओर से इस बच्ची के साथ पूरा पूरा न्याय दिलाया जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम इंदापुर पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करते हैं। हम इंदापुर पुलिस स्टेशन में जाकर हमारी पूरी संघ जाएगी और पूरी बाकायदा इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है उस घटना का हम विचार को जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन सकू सके के साथ मैं सिराज मसूरी।